तो इस प्रोग्राम में बेसिकली जो एरर है वो एरर इसलिए है, एरर मतलब एरर पता है, एरर पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी एरर को पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको एरर का मतलब नहीं समझ में आएगा। अभी मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, और जैसे मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम में एरर है। तो कोई भी एरर भी देख के अगर आप एरर के बारे में नहीं पता लगा पाते हो तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, या तो आपके पढ़ने में या तो मेरे पढ़ाने में। इसलिए भाई जो कुछ भी आप सीखते हो ना, एरर से ही सीखते हो जिंदगी में। ये ना सोचो कि हम एक ही बार में एक्सपर्ट बनने वाले हैं, नहीं। काम करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, एरर आएगा, एरर को सॉल्व करोगे समझोगे, एरर को सॉल्व करोगे समझोगे। इस तरह से आपके अपने डेली लाइफ में हजारों लाखों एरर्स आएंगे, और हजारों लाखों एरर को सॉल्व करने के बाद मास्टर बन जाओगे आप। इसकी चिंता नहीं करिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे एरर रह गया वगैरह वगैरह, वट एवर। तो इस प्रोग्राम में देखिए एरर ये है कि जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, देखिए क्या लिख रखा है। कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट अप्लाइड ऑन आर्गूमेंट स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इंट एंड नो आर्गूमेंट। ठीक है, फाउंड नो आर्गूमेंट रीजन एक्चुअल एंड फॉर्मर आर्गूमेंट लिस्ट डिफरेंट इन द लेंथ। समझ में आ रहा है? एक्चुअल एंड फॉर्मल जो है आर्गूमेंट वो मतलब डिफरेंट है। क्लियर है? तो मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि आपने आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही कंसिडर कॉल हुआ, यहाँ से स्ट्रिंग और इंट पास हुआ, स्ट्रिंग और इंट यहाँ से जो पास हुआ ये स्ट्रिंग इंट यहाँ पे जाके रिसीव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद ये प्रिंट होके आ गया। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इस दूसरे ऑब्जेक्ट में आपने कोई भी आर्गुमेंट नहीं से पास करा है, यहाँ से पास ही नहीं करा। जब कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करा तो भाई ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट वाले कंसेंटर को कॉल करेगा। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंसेंटर तो हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि डिफॉल्ट कंसेंटर हर प्रोग्राम में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिफॉल्ट कंसेप्टर बेसिकली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में होता है। जब आप किसी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तभी डिफॉल्ट कंसेप्टर प्रोग्राम में आता है, जब आप नहीं बनाते हो तो। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया तो डिफॉल्ट कंसेप्टर भी बन के आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्टर कॉल हो रहा है डिफॉल्ट वाला, और आपके प्रोग्राम में कौन सा है, पैरामीटराइज वाला, और कंपाइलर भी अब इस टाइम पे नहीं देगा, तो इसीलिए एरर आ रहा था। तो या तो आप यहाँ से वैल्यू पास करा दो श्याम 123, या तो डिफॉल्ट कंसेप्टर बना लो। तो आपके कंसेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे ये बना दिया डिफॉल्ट कंसेप्टर। ठीक है, और कोड को कंपाइल करा, अब ये कंपाइल हो गया। पहले के लिए आ जाएगा राम एंड 23, दूसरे के लिए आ जाएगा नल एंड जीरो। बाकी बताइए, कोई कंफ्यूजन? नो सर। है सुजीत? सुजीत चले गए क्या? सर एक बात सर, दोनों का मेमोरी का साइज डिफरेंट हो जाएगा ना सर, दोनों ऑब्जेक्ट का? दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी का साइज डिफरेंट हो डिफरेंट हो जाएगा? जाएगा ना? नहीं, मेमोरी का साइज कैसे डिफरेंट होगा, ये एक ही वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को एक बार इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलेगी, एक बार इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलेगी। तो ये जो दोनों वेरिएबल हैं, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको एक कंसेप्ट आगे समझाने वाला हूँ
जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है? अगर अभी जानना चाहते हो तो मैं अभी आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो एक ऑब्जेक्ट की मिनिमम साइज भी होती है और मैक्सिमम साइज भी होती है। तो एक ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम साइज है वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने फिक्स कर रखा है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली है, जेवीएम के अकॉर्डिंगली। जेवीएम 32 बिट का, 64 बिट का है ना। बाय डिफॉल्ट 8 बाइट होता है, 8 बाइट। 64 बिट के जेवीएम में मैंने ये चेक किया हुआ है, 8 बाइट होता है। 8 बाइट मतलब 16 बिट। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट की साइज होती है डिफॉल्ट, ठीक है। मिनिमम साइज, मिनिमम साइज कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी, मान लीजिए कि हमारे पास यहां से हमने एक बनाया क्लास, ठीक है, ये बनाया क्लास, ठीक है, ये मान लो हमने क्लास बनाया। अब इस क्लास में कोई वेरिएबल नहीं है, और अगर मैं अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो इसकी मिनिमम साइज की बात हो रही है, जब क्लास में कोई वेरिएबल नहीं है तब। समझ आ रहा है? 8 बाइट फिक्स होता है। 32 6, अच्छा 32 बिट जेवीएम के लिए क्या होता होगा मैंने नहीं चेक किया है, बट ये जेवीएम टू जेवीएम वेरी होता है, 64 बिट पे 8 बाइट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हमने इस क्लास के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अच्छा, तो मिनिमम साइज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इज 8 बाइट, एंड मैक्सिमम इट्स डिपेंड हाउ मेनी डेटा मेंबर इट हैव। एक डेटा मेंबर है तो अब इसकी साइज कितनी हो जाएगी? जो मिनिमम थी वो फिक्स ही रहेगी, यानी कि 8 में, और इंट की साइज कितनी होती है? 4 ना, तो 8 6 मतलब मिनिमम साइज जो होती है, मैंने कितना बताया था, 64 बिट के जेवीएम में 8 बाइट होती है ना, तो 8 बाइट में 4 और जोड़ दो। समझ आ रहा है? 4 और जोड़ दो आप, ये उसकी साइज होगी, ये 4, क्योंकि एक इंटीजर है। अब 2 करोगे तो एक और, 3 करोगे तो फिर एक और, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखे हो, अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखे हो आपने, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, तो उसकी भी अपनी एक साइज होती है, ऐसे स्ट्रिंग की भी अपनी एक साइज होती है। इंट लोगे, स्ट्रिंग लोगे, फ्लोट लोगे, कैरेक्टर लोगे, तो सबकी अपनी एक साइज है ना। जो भी आप बताओगे वो साइज, वो मेमोरी आपके लिए ऐसे एलोकेट होके आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा आपने कहा ये सब कैसे, आप ये चीज मुझे प्रूफ करके दिखाओ, तो ये मैंने आपसे इसलिए बताया ना, एक तरीका होता है प्री मेन मेथड होता है जावा के अंदर, उसके थ्रू मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके लास्ट में एक बार जरूर याद दिलाना, क्योंकि उससे रिलेटेड अब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा 4 5 स्टेप कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, जो करूँगा तो फिर आप पूछोगे ये क्या है ये क्या है, तो इसलिए उसको चलाने के लिए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी आपने पूछा कि सर इसकी इसकी साइज, साइज की बात किया कि इसकी साइज अलग होगी, इसकी साइज अलग होगी, नहीं साइज तो दोनों का एक ही है, इसकी भी साइज और इसकी भी साइज, दोनों की सेम साइज है, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल को तो ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलती है। साइज सेम है बट वैल्यू अलग अलग, एक में नल है और एक में वैल्यू है। हाँ समझ आई बात? बोलो भाई। हाँ सर, तो एक ऑब्जेक्ट की भी जो मिनिमम साइज होती है वो कैसे निकालते हैं, क्या उसकी कहानी है, वो भी बता दूंगा आपको। बट अब आगे जरा हम आ जाते हैं, हमें क्या करना है पता है, एक कंसेंटर की वैल्यू को दूसरे कंसेंटर में कॉपी कराना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट का जो डेटा है, यानी कि राम 23 ये इस वाले ऑब्जेक्ट में पहुंच जाए, बताओ कैसे करेंगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। हाँ? एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कराना है, कैसे कराऊं?
सर क्या करेंगे, हाउ दैट नेम, हाँ? क्या करेंगे? एक मिनट ला सर, आपको कॉपी करना है ना, इसको डाटा इसमें चला गया, ये वाला में स्टूडेंट वाला में यहाँ आ गया, तो फिर करना है इसमें, तो सर सर S1 इज इक्वल टू S डॉट नेम करेंगे सर। S1 = S.name और S1 = S.a करेंगे, एज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। S.name ये तो कंपेटेबल नहीं है, हैं? सर नहीं होगा, सर नहीं होगा सर, ये तो लिखेंगे नहीं होगा मेरे अंदाज से, नेम होगा सर, S1 = नेम ही होगा सर, ऐसे क्लियर है सर। लिखेंगे S1.name = S.name, S1.age = S.age। समझ में आ रहा है? और फिर चलाएंगे तो चल जाएगा। आप सही जा रहे थे, है ना? लेकिन थोड़ा सा वहां पे गलत हो गया था। अब आ गया बेटा। सर एक बात, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, आपने सर इससे पहले शुरू में पढ़ाए थे डाटा इंसर्ट करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाए, जैसे S1 S बनाए, एस डॉट नेम लिखकर वहां पर डाटा इनिशियलाइज करते थे ग्लोबल वेरिएबल, ओके जैसे S1 S.name इज इक्वल टू हाँ स्ट्रिंग में डाल के प्रवेश लिख दिए, उसी को फिर प्रिंट, उसी को फिर होल्ड करवाने के लिए ऐसे डॉट नहीं सर, सही सही है सर, कर दिया सुजीत, सुजीत हो पिक्चर में? हेलो, कहीं चला गया क्या सुजीत?